असलम तो भाई हुआ पाकिस्तान का पहले टी ट्वेंटी मैच वर्सेज न्यूजीलैंड का खात्मा और रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड हम लोग हार गए मतलब सीरियसली दांत देनी पड़ेगी सबसे पहले क्लैप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल इसी तरह क्यों एशिया कप स्टार्ट हुआ हम वहाँ ओडिया हारे वर्ल्ड कप में जीतेंगे वर्ल्ड कप में फिर ओडीआई हार गए एक फॉर्मेट साइड हुआ ऑस्ट्रेलिया गए वहाँ हमें खेलने थे तीन टेस्ट मैच हम तीनों टेस्ट मैच हार गए माशाला सुबह ना ड्रो ना जीत हार गए सिर्फ ये फॉर्मेट बचा था और आज हम उसमें भी हार गए तो भाई कौन है आज मैच का जिम्मेदार किसकी वजह से हम हारे और क्या गलतियां की जो हमें नेक्स्ट मैच में नहीं करनी चाहिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में तो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को एंड तक देखें और यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें तो शुरू करते हैं लंबी के बगैर तो भाई मैच हुआ स्टार्ट जिसमें न्यूजीलैंड ने की पहले बैटिंग क्या बात है न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की वहां के आपको पता है कि कितने छोटे ग्राउंड और फ्लैट विकेट है सिर्फ आपने डायरेक्शन दिखानी होती है बॉल को और आपको रन मिलते हैं क्या माइंडसेट और इंटेंट की जरूरत होती है तो शाह ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया और पहले विकेट आ गए कर लेंगे लेकिन जी हाँ धागा खोल दिया करते कराते करते 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 शाइन अफरीदी भाई तो आउट ऑफ कलर हो गए थे दो ओवर के बाद वो फिर आए नहीं लेकिन अब्बास आफरीदी और हारिस रोह ने बहुत अच्छी तरह उन्हें कंटेंट किया रन रोके और अच्छी लाइन पर बॉलिंग की आमिर जमाल जो हमारे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के हीरो थे जिनकी हमने तारीफ कर दी दिया तो हम पन होती है हमारी नजर ऐसी जो लग जाती है आज वो भी बहुत ऑफ कलर नजर आए और बहुत ही गंदी लाइन लाइन पे बॉलिंग की जिसकी उन्होंने पनिश किया न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने और जो दोनों टीम में डिफरेंस था वो थी डेरी मिचल की इनिंग जी हाँ आप लोग नहीं मानेंगे बट यही फैक्ट था वरना कैच उन्होंने भी ड्रॉप किए हमने भी ड्रॉप किए लेकिन जो डिफरेंस था वो था डेरी मिचल की इनिंग जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ इनिंग चले गए थे और हमें मैच से वहीं बाहर करके चले गए तो पता है लेकिन सबसे अच्छी बात है रिस्पेक्ट देनी चाहिए बहुत टाइम बाद हमें अच्छा बैट्समैन मिला है जिस तरह वो आज आया था पहला शॉट ही मारा था वो उसका लग था कि बच गया और मुझे लगा था पहली बॉल पे ही आउट है लेकिन करते कराते आता आधम में आया लेकिन यार एक बात बताओ एक बंदे ने 170 के स्ट्राइक रेट से खेला तीन छक्के मारे बाउंड्रीज मारी और ट्राई कर रहा था अब उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा जो आपके नाम के हिटर है आजम खान आप ले गए इफ्तखार आप ले गए इसके अलावा आपके फखर जमान टुल्लर नंबर वन और भी जितने बड़े नाम है उन्होंने क्या किया मतलब बाबर आजम को हर कोई ब्लेम कर रहा है और साहब अयूब के एक छः पे टांग उठाकर उस पर सब फ्लैक्स कर रहे हैं यार ऐसे ही मौके पे ये जो हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है मुझे इनका नाम नहीं पता क्या खूब का है मतलब सीरियसली एक बंदा रिदम में आया मुझे पता है कि उसके कॉन्फिडेंस का मसला था और कोई मसला नहीं था बिल्कुल ही ऑफ कलर दिख रहा था लेकिन आज फाइनली बॉब जीजा किंग ने कम बैक किया और 50 स्कोर की और अच्छी 50 स्कोर की मुझे लगता है वहाँ इफ्तार या आजम खान उनका साथ देते दे, हम मैच फिनिश कर सकते थे लेकिन हम इतने कैपेबल ही नहीं है हम मेंटली पहले हार जाते इतना बड़ा स्कोर देख के मतलब हमारी ये वन एटी टू तक की लिमिट है वो भी पहले इनिंग में लेकिन जब चेस करना हमारे हाथ पर वैसे काम में आ जाता लेकिन हाँ जिस तरह ये लड़के सायम अयूब ने स्टार्ट दिया था ना पहली बॉल से उफ फ्लैक्स कर दिया मतलब जो उसने छह मारा है ना एक पूरे इंटरनेट पे वही पिक्चर चल रही है और हम लोग उसी में खुश हैं यार हमारी जीत वही है हमारी छोटी छोटी खुशियां हो होती है हमें कोई वर्ल्ड कप हमें कोई रिकॉर्ड कोई एजाज नहीं चाहिए कोई रैंकिंग नहीं चाहिए हम इसी में खुश हो जाते हैं मतलब क्रिटिकल एनालिसिस मैच एनालिसिस परफॉर्मेंस क्या रीजन था हारे हो गया भाड़ में दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है जो टांग उठा के सामूब ने छे किया है मतलब सीरियसली ये हमारी एज अ नेशन मेंटेलिटी है हम उसी में खुश हैं उसी पर हम खुश हो रहे हैं लेकिन वाकई लड़के में बहुत पोटेंशियल है गेंदों पे रन बनाए प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया अब इसमें उसका कोई कुंड नहीं है भाई न्यूजीलैंड में ऐसे होता है इवन कमेंटेटर डिस्कस कर रहे थे कि वो जहाँ की आउटफील्ड है ग्रास पे भागते है तो स्लिप होता है तो जब भी वहां वो जब प्लेयर बैटिंग कर रहे होते हैं ना वो ग्रास पे नहीं पिच पे भागते हैं ठीक है गेम अवेयरनेस होती है जो आपके साथ जो 300 सौ ढाई सौ लोग घूमने वेकेशन बनाने गए हैं उनका काम होता है छोटी छोटी डिटेलिंग आपको बताना ताकि आप ऐसी मिस्टेक ना करें लेकिन आपने कर दी और उसकी वजह से हम तकरीबन मैच हार गए वरना सिर्फ साई मयूब का जो इंटेंट था और जो उसने पहली इनिंग बॉल से ही शुरुआत की लग रहा था कि ये वाइद यही बन है कि मैच जिता सकता है उसने जान भी पूरी मारी और ट्राई भी की बट वो अनफॉर्चुनेटली अच्छी तरह के बाद रनआउट होगी उसके बाद रिजवान आए बाबर आए बाबर ने थोड़ा सही किया रिजवान ने भी एवरेज बैटिंग की लेकिन फखर जमान का बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच कर लिया और हमारी टेल की क्या बात है मतलब ये इफ्तार अहमद मैं तो मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट ओवर रेटेड बैट्समैन है अगर इंडिया की एमसीजी की इनिंग इनकी हटा के दी जाए ना तो इनका नेशनल करियर में कुछ भी नहीं है सिवाय नेपाल के खिलाफ एट हंड्रेड तो खैर वो है पावर हीटर है हम मानते हैं और हम जो स्कोर करते आ रहे हैं रिजवान बाबर इनको मुसलसल ट्रोल करते हैं और ये जो दो छक्के मार के चले जाते हैं ये हम यही डिजर्व करते हैं तो भाई मुझे जो लगता है दोनों टीमों के बीच में जो तो डिफरेंस थी वो डेरी मिचल की इनिंग थी वरना विलियमसन ने भी कैच ड्रॉप किया बाबर आजम ने भी किया इफ्तार ने भी किया और वहां से मेरे ख्याल से मार्क चंपन ने भी किया तो फील्डिंग भी बराबर थे फ्लॉस बराबर थे हम ये नहीं कह सकते कि फील्डिंग डिफरेंस था लेकिन जो वाइट डिफरेंस था वो थी डेरी मिचल की इनिंग उसका इंटेंट उसका माइंड जिसकी वजह से न्यूजीलैंड जो है हमसे आज मैच ले गई और जीत गई ना बाकी उनकी भी बॉलिंग को इतनी अच्छी नहीं थी हैनरी को साम अयुब ने ठीक ठाक छक्के कराए <laughs> और हमने देखा फखर जमान ने भी जो सोदी को छक्का मारा था ग्राउंड की छत पे लगा था तो यार हम तो खैर बातें करते रहेंगे एनालिसिस देते रहेंगे देख के छोटी छोटी डिटेलिंग की यार क्या कमी थी क्या खामी थी दोनों टीम में, में मेजर डिफरेंस क्या था अब काम करना ना करना मैनेजमेंट और हमारे प्लेयर का काम है अब देखते हैं सेकेंड मैच में हम लोग क्या उखाड़ते हैं एक्सक्यूज फॉर लैंग्वेज बट यही कहूंगा मैं कि किस तरह जीतते हैं? हैं जो मेरी प्रोडिक्शन थी थ्री टू थी, थी और अब हमें अब चार में से तीन मैच जीतने अब देखते हैं कि मेरी कितनी ठीक होती है मैं गलत होता हूँ तो पाकिस्तानी टीम और हमारे प्लेयर सबको डिसअपॉइंट करने में एक्सपर्टिंग है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा इससे बड़े बड़े क्रिकेट में मैं हार्ट ब्रेक देख चुका हूँ और फेस कर चुका हूँ तो यार ये थी आज की हमारी क्रिकेट सॉरी इनशाला मिलते हैं दूसरे मैच में शायद अच्छे मूड और अच्छी न्यूज़ के साथ जिसमें हम मैच जीतने की खुशी मना रहे हो और अच्छे अच्छे मोमेंट याद करते तो कर हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो पुराने हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज